हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की, हमारा अतीत थर्ड के बारे में, हमारा अतीत 3, इसका हम लोग भाग एक देख रहे हैं। भाग एक में हम लोग 4 चैप्टर अभी तक खत्म कर चुके हैं, ये आपका 5वां चैप्टर है। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। याद रखिए, बार बार हर बार मैं एक ही शब्द बोलता हूँ कि इन किताबों को आप लोग बड़े धैर्य के साथ पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है? एक कहानी का रूप देकर और निकल जाइए, आपको हर शब्द वो समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जो समझ में ना आए, बस धैर्य के साथ पढ़ना है। चित्र देख लीजिए, एक सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए, यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया है। नीतियां और लोग, क्या है नीतियां और लोग? पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उनके उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा है। नीतियों ने से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों, सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां कार्यवाहियां जनता के हित में नहीं होती हैं या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह विरोध भी करते हैं। बात करते हैं नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। रेजिडेंट वो होती थी जो एक अंग्रेजों की तरफ से या कंपनी की तरफ से उनकी एक सेना रख दी जाती थी। उसका खर्च, उस सेना का खर्च उसी राज्य पर पड़ता था। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगी। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में आ जाने के बाद वाली आखिरी रियासत में से एक थी। अवध की रियासत जो थी अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासत में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1859 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जाफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल केनिन ने फैसला किया कि बहादुर शाह जाफर की आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। पर आपका किसान और सिपाही, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुराने जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। याद रखिए, कोई भी विद्रोह या क्रांति तभी होती है जब वहां की जनता या लोगों में असंतुष्टि हो राज्य के विधि, ठीक है? कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के
असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भक्तों, सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश लिया, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। किसने? सैनिकों ने। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में इतराज नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। पर्याप्त सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिश्रणियों को खोलकर काम करने और यहां तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1855 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। बात है जनता की नजर से। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोचते रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़ें। ये चित्र दिख रहा है, ये आए उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबर और अफवाह फैलाते हुए। स्रोत 1, 84 नियम की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रभास के कुछ अंश दिए गए हैं। इसमें विष्णु भट्ट और उसके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकल रहे थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि वे रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था, अंग्रेजी सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने का अमादा है। उन्होंने 84 नियम की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणाम की चेतावनी दी। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े 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 लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी। मेरठ छावनी से गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। फ्रेश स्रोत 2, जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था, उनके बेटे को। अपनी सेवानिवृत्त के बाद उनके कमान अफसर नॉर्गेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1800
1964 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। फ्रॉम सीपोर टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावना को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले। सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो ऐसा कर सकते हैं। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसर पर हमला करते, उनके घरों में घुस जाते और इमारतों में आग लगा देते। स्रोत दो का सिसवा। सहयोग से इसी समय सरकार ने हरेक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों के कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान ना जाने कहां से यह खबर फैल गई कि राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा ही मैंने पहले ही जिक्र किया कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे, स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी। अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बारे में भी अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। याद रखिए, 1857 का जो भी विद्रोह था उसका तत्कालीन कारण यही चर्बी वाले कारतूस ही थे। सैनिक विद्रोह। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो ये सैनिक विद्रोह होता है। बात करते हैं सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता भिन्न छिन्न भिन्न हो जाती। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशक्त संघर्ष था 1857 का। देखिए चित्र के वैलेरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौकड़ियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। बात करते हैं मेरठ से दिल्ली तक। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया।
चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस सौंपे, साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअरों की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ के जेल पर धावा बोलकर वहां बड़े सिपाहियों को आजाद वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मंगल पांडे की स्मृति में जारी डाक टिकट देख लीजिए। फिरंगी, विदेशी, इस शब्द का अपमान का भाव आता है। इस शब्द से मैं अपमान का भाव आता है। फिरंगी, मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मोहे अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहां भी अंग्रेज अफसर मारे गए। दिल्ली सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार पर के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जाफर को अपना नेता घोषित कर दिया। यह है बहादुर शाह जाफर। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर भी अपने इलाके का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल अधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इस घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। जैसे ही आपका परीक्षा का रिजल्ट आएगा, आप दुगनी शक्ति के साथ मेंस के लिए लग जाएंगे। उसी तरह इनके साथ भी हुआ। देखिए, नाना साहब की फोटो है। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैरों खड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहियों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसी जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखी देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पास पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे।
स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया लखनऊ का। ठीक, जैसे 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 विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेजी अफसरों को मारा जाने लगा। देखिए, ब्रिजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जाफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4,000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन में उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल रहा है। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इस आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों को एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर लिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीने महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। देखिए रानी लक्ष्मीबाई की पिक्चर, ये आपके वीर कुंवर सिंह हो गए। यहाँ देखिए ब्रिटिश टुकड़ियों विद्रोही पर हमला करती, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं, सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था। ये चित्र देख लीजिए, विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की बाहरी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज्यादा हथियार गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे। इनकी कतार 7 मील लंबी थी। ये आपके तात्या टोपे की स्मृति में जारी डाक टिकट। बात करते हैं कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोहों के मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम
जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जाफर ने अंतिम सांस ली। कब? नवंबर 1862 में। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गए। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोहों का किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे। जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए। उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेज टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट के बाद गेट को बारूद से उड़ाती हुई देखिए। विद्रोहियों के बाद के साल इस चित्र को भी देख लीजिए। अंग्रेज टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पढ़कर लेती हैं। ध्यान से देखें कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया है। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित थे। पहला था आपका ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखिए सभी आपके 1857 की क्रांति के बाद ही बदलाव हुए। जस्ट बात उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। किसे? भारत मंत्री को। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। दूसरा था देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा बदलाव था सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की शाखा बढ़ाने का फैसला। यह भी तय किया गया कि अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा सिखों और पठानों से भी में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि गोरखा और सिख को पठानों ने अंग्रेजों का इस समय साथ दिया था। ठीक है, इसलिए उन पर ज्यादा भरोसा किया जाने लगा। चौथा इसमें बदलाव था मुसलमानों की जमीन
और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। पांचवा था, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। छठवा था, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। देख लीजिए मैप्स, विद्रोहों के मुख्य कैंप, विद्रोहों के अन्य कैंप, जबलपुर, सागर, नागौर, नौगंग, महू, नीमच, नसीराबाद, दीनापुर, बिहार, बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बहराइच, नवाबगंज, सीतापुर, फतेहगढ़, मैनपुरी, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, ये आपका मेरठ, दिल्ली, रोहतक, सहारनपुर, फिल्लौर, जालंधर, फिरोजपुर, लाहौर, सियालकोट। उत्तरी भारत में विद्रोहों के कुछ प्रमुख कहने हैं आपके, ठीक। खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी दी गई, इसे पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें देख लेते हैं। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना, इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा। खुर्दा, जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था, वहां 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गणों, जिसमें से 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके साथ साथ राजा वीर किशोर देव को स्वाधिकृत 4 परगान परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों की प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारियों मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। परंतु 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणाम था उड़ीसा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अभी अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा था तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया था। संतावना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति के साथ राजस्व का एकमात्र 10 मांस था। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसे 1817-17 में एक गंभीर सशक्त संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया गया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निमित्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनकी जीवन पूरी तरह से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने इस अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रियायतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी
कोई उदारता नहीं दिखाई दी, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। आज भी ऐसा ही होता है, देखा हुआ आपने, उड़ीसा में अक्सर बाढ़ आपदाएं आती हैं। बकायदारों की जमीन की षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बैन दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुक्रम सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात ब्रह्मरवर राय, जिन्हें लोग बख्शी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर आकर्षित करने का निश्चय करने से पूर्व प्रयास 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वे थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, दूसरा था इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, तीसरा था खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, जिसके कारण उड़ीसा के पारंपरिक रूप में से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। पांचवा था इसमें सॉरी चार चौथा क्या था, स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण उड़ीसा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशक्त संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हुई हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजानों में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। सीगी खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए, जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया था। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थानों से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगवाही कर पुरी को कब्जे में ले लिया। मुकंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए, उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र ब्रह्मरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष उड़ीसा के दक्षिण और पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिन डल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए, अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया, परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जंगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु अनुग्रह और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए गए, नमक की कीमतों में कमी की गई, जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार से निष्कासित कर दिया गया, बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई,
दिवंगत खुर्दा के राजा पुत्र रामचंद्र द्वितीय को स्वतंत्र कर पुरी जाने दिया गया। 26,000 रुपए के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। संक्षेप में यह उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशक्त संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना कमतर कर आंकना होगा। यहाँ कुछ दिए गए इसी भी पॉइंट को देख लेते हैं। परम शांति के एक स्वर्गीय साम्राज्य की खातिर जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। होंग जिक्वांग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। होंग जिक्वांग में धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहाँ ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहाँ किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहाँ सामाजिक वर्गों स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, जहाँ अफीम तमाकू शराब के सेवन जुए वैश्यवृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह की को मदद काफी मदद दी। ताइपिंग की सेना अपने नेता से मिलते हुए चित्र देख लीजिए। ये आपके लिए कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। लगा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लें तो बेहतर रहेगा। रख लें अपने पीडीएफ, जिससे आगे भी आपकी रिवीजन के लिए हो जाए। इसे भी पढ़ लीजिए, देख लीजिए। लखनऊ रेजिडेंसी के खंडन। जून 1857 में विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया था। बहुत सारी अंग्रेजी औरतें, मर्दों, बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में पनाह ली हुई थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेर कर उन पर गोलों से हमला किया। इस तरह के एक गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मौत हो गई थी। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह इस चित्र में दिखाई दे रहा है। गौर से देखें, इमारतों पर भी थी तोर के निशान इस तरह बचे रहे। तो ये था आपका पांचवा चैप्टर, ठीक है। छठवें चैप्टर होगा आपका बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिकों के बारे में, ठीक है।